कार्बन 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 कहाँ से आ गया भैया? अरे भैया आ गया कार्बन। अब कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन कहाँ से मिलता है, कहाँ से प्राप्त होता है कार्बन, कहाँ से आता है, आसमान से टपकता है इसको, कहाँ से आता है जे? ये उपलब्धता कहाँ से आती है कार्बन की? बताऊँ कार्बन क्या है? जा दिख रही है आपको? जा जे हाँ दिख जे रही दिख है। रही है जो दिख रहा है? ग्रेफाइट है। ये क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ये ही एक कार्बन का अपर रूप है। क्या है? कार्बन का अपर रूप अपर है कि नहीं? है ना, बगल में छोरा गांव में ढिंडोरा, ये यहीं पे है ना कि नहीं? ये कार्बन जे हो गया आपका, है ना जी? क्या हो गया? कार्बन हो गया, है कार्बन। ना? जो हीरा होता है, हीरा, हीरा भी कार्बन है, कोयला भी क्या है? कार्बन है। क्लियर? ये सब क्या है? कार्बन है। तो देखो, कार्बन की भूपर्पटी में प्रचुरता का क्रम 17वां है। मतलब जमीन में जितनी भी चीज पाई जाती है ना, तो सबसे अधिक जो चीज पाया जाता है उससे कम, फिर उससे कम 17वां नंबर पे कौन आता है? कार्बन आता है। मतलब बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है कार्बन, है ना? तुम्हारे आसपास जितनी भी चीज होती है, तुम्हारे बाल भी कार्बन से बने, तुम्हारी बॉडी भी कार्बन से बनी है, समझ रहे हो? सब चीज कार्बन। कोयला कितना पाया जाता है? कार्बन। जहां देखो वहां कार्बन 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 कार्बन, है ना कि नहीं? है ना? 17वां क्या है? 17वां तत्व है ना। हाइड्रोजन के बाद सर्वाधिक यौगिक बनाता है। सबसे ज्यादा यौगिक कौन बनाता है? हाइड्रोजन। उससे कम सबसे अधिक यौगिक बनाता है वो कौन बनाता है? कार्बन। भैया हमारे जो कार्बन जो है वो सबसे अधिक क्या बनाता है? यौगिक बनाता है। प्रकृति में कार्बन तथा इसके यौगिक बहुत विस्तृत रूप में वितरित है। जो प्रकृति होती है उसमें कार्बन की यौगिक बहुत अधिक मात्रा में, लकड़ी हर जहां देखोगे वहीं कार्बन, ग्लूकोज C6H12O6 उसमें भी कार्बन, मेथेन सिलेंडर में गैस जला रहे हो CH4 उसमें भी कार्बन है कि नहीं? कार्बन जहां देखो वहां कार्बन, इधर भी कार्बन उधर भी कार्बन, देखो तमाशा कार्बन का, है ना कि नहीं? अब कार्बन है ना, देखो अब कार्बन कहाँ कहाँ पाया जाता है? पौधों में मिल जाएगा, पेड़ पौधों में मिल जाएगा कार्बन, जानवरों में मिल जाएगा, कार्बनिक संकरों के रूप में पाया जाएगा। कार्बनिक संकर मतलब कि इंसान के अंदर कई प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, कई प्रकार का ब्लड होता है, सब में क्या मिल जाएगा आपको? कार्बन मिल जाएगा। मार्स गैस, मार्स गैस किसको बोलते हैं? हमको ऑब्जेक्टिव आता है मार्स गैस, CH4 मेथेन गैस, है ना? मार्स गैस है ना, मार्स गैस का सूत्र है। चार विकल्प रहेंगे। पेट्रोलियम में पाया जाएगा, पेराफिन में, हाइड्रोकार्बन के रूप में। अरे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, तुम सांस छोड़ रहे हो, सांस लिए, सांस छोड़े, रामदेव बाबा मत समझना मेरे को, है ना? है ना? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसमें CO2, उसमें क्या होता है? कार्बन होता है। खनिज में भी कार्बन पाया जाएगा। लाइम स्टोन CaCO3, मैग्नेसाइट MgCO3, डोलोमाइट CaCO3, इन सब में क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। क्लियर? अब पेपर में एक क्वेश्चन और आता है यार कि भैया कार्बन का श्रृंखलन गुण समझाइए। श्रृंखलन गुण क्वेश्चन लिखो पहले, कार्बन क्वेश्चन लिखो, जल्दी नोट करो कॉपी में, फिर बुक से उत्तर लिखना है तुमको। क्वेश्चन लिखो, कार्बन का श्रृंखलन गुण लिखिए। तुम कम कम बच्चों में तुम्हारी बहुत अच्छी पढ़ाई आ रही हो, स्पेशल बिल्कुल, पूरी किताब समझ के बजा रही है। ज़्यादा लोग रहते तो बिल्कुल एक दिन में 4 क्वेश्चन लिखवाता और 3 क्वेश्चन समझाता, है ना? देखो मतलब श्रृंखलन है ना, अगला गुण क्या है तुम्हारा? श्रृंखलन है। अगला गुण क्या है? श्रृंखलन है। श्रृंखलन क्या होता है? कार्बन के, और मेरा फायदा मेरे वीडियो बन जा रहे अच्छे खास से, सबका फायदा है, जो होता अच्छे के ही होता है। देखो है ना, देखो कभी आऊंगा कभी नहीं आऊंगा स्कूल में, ऐसा नहीं डेली जा रहा हूँ, है ना? गारंटी नहीं है। कार्बन के परमाणु अपने अन्य परमाणुओं के साथ मिलकर श्रृंखला बनाने की अभिन्न क्षमता रखते हैं। जो कार्बन के जो परमाणु होते हैं, ये कार्बन के जो परमाणु होते हैं वो अपने समूह के अन्य कार्बन परमाणु के साथ ये श्रृंखला बना, चेन। श्रृंखला मतलब क्या होता है? चेन, है ना समझ रहा है? CATN, है ना? क्या बन, यहाँ पर जो कार्बन के जो परमाणु होते हैं ना,
वो अपने ही अन्य कारों के चेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? चेन। श्रृंखला बना रहा है, बिल्कुल लंबी चेन बना रहा है। लंबी क्या बना रहा है? श्रृंखला बनाने की अभिन्न क्षमता रखते हैं। ये श्रृंखलाएं खुली और बंद दोनों प्रकार की होती है। कई श्रृंखला खुली होती है, खुली है ना, बिल्कुल इतनी है, CH3 CH3 खुली होती है, ये खुली होती है, इनको एलिफेटिक युग्म बोलते हैं, अध्याय 12 में पढ़ेंगे अपन, है ना, खुली होती है। और कई श्रृंखलाएं कैसी होती है? बंद होती है। श्रृंखलाएं कैसी होती है आपकी? बंद होती है। कार्बन की श्रृंखला कैसी होती है? बंद। कार्बन की श्रृंखला कैसी होती है? बंद होती है। खुली तथा बंद श्रृंखला के रूप में दोनों ही रूप में पाए जाते हैं। 60 कार्बन परमाणुओं वाली खुली श्रृंखला वाले, है ना, 60 कार्बन परमाणु की खुली श्रृंखला वाले और 30 परमाणु वाले बंद के अभियोग, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसी 60 कार्बन परमाणु की लंबी खुली श्रृंखला वाले यौगिक अपन ने पता कर चुके हैं, है ना, क्लियर, पता कर चुके हैं। और 30 कार्बन परमाणु, कितने कार्बन परमाणु? जो बंद रिंग होती है, तो 30 कार्बन परमाणु वाले बंद यौगिक, कितने यौगिक है ना, कौन से यौगिक? बंद यौगिक अभी तक ज्ञात किए जा चुके हैं। 30 कार्बन परमाणु के बंद यौगिक क्या कर जा चुके हैं? ज्ञात किए जा चुके हैं, क्लियर। इस गुण के कारण कार्बन असंख्य यौगिक बनाना संभव है। श्रृंखला गुण है ना, ये बना लेना, खुली श्रृंखला और ये बंद श्रृंखला, इतना लिख लेना है।